पहुंची इमारत उतनी ही मजबूत मिट्टी। जिब्रील ने मिट्टी देकर मुस्तफा से चेक करा लिया था, आकाए रहमत से चेक करा लिया था, और बीच में कोई घुसपैठी ना रहे, ख्वाब देखकर कोई ताबीर न बयान कर दे। इसलिए कि इस्लाम ख्वाबों का मजहब नहीं है, इस्लाम हकीकतों का मजहब है। और करबला की तारीख ख्वाब पे नहीं देखी गई है, करबला की तारीख हकीकत पे देखी गई है। अली अकबर की शहादत ख्वाब नहीं हकीकत है, आलम मोहम्मद की शहादत ख्वाब नहीं हकीकत है, अली अकबर की शहादत ख्वाब नहीं हकीकत है, जलते हुए खेमे ख्वाब नहीं हकीकत है, हुसैन मुस्तफा की शहादत ख्वाब नहीं हकीकत है। और आप जब 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 इस्लाम और अजमत काबा को चैलेंज होगा, तब तक करबला ईमान वालों की जरूरत है, ईमान वालों की जरूरत। जिब्रील मिट्टी लाके कहते कि वही मिट्टी अल्लाह। अब से हम यही रोक लीजिए, बस आखिरी मिट्टी लाकर जितनी ऊंची इमारत बनानी उसी हिसाब से मिट्टी देखी जाती है। अब मान लीजिए 20 मंजिला बिल्डिंग बन गई, हमारे अल्लामा सनावर मुस्तफा साहब ने एक अपार्टमेंट उसमें बुक करा दी। मैं कहीं से आया, मैंने कहा हजरत महान में बोले कि क्या बताऊं, जिस अपार्टमेंट वाले को मैंने पैसे दे रखे हैं वो अब तक हमको अपार्टमेंट नहीं दिया। मैंने कहा लाइए जरा नंबर दीजिए, मैं भी उनसे सलाम करके पूछ लूं कि जब पैसा फुल पेमेंट है तो दे क्यों नहीं है। गौर से सुनिए क्या कहने जैसे ही नंबर लिया वैसे ही मैंने कहा क्यों भाई, जब पैसे फुल ले चुके हो तो दे क्यों नहीं है। तो अगले ने जवाब दिया, तामीर तो मुकम्मल हो गई है, फिटनेस रिपोर्ट आना अभी बाकी है। तामीर मुकम्मल हो गई, फिटनेस रिपोर्ट आना बाकी है। जैसे ही पहुंचा वैसे ही अपार्टमेंट बनाने वाली कंपनी के एमडी ने अपने चैंबर में इंजीनियर को भी, ओवरसीयर को भी, टेक्नीशियन को भी, सबको बैठा रखा और इमारत का नक्शा रख करके पूछे जा रहा है, मिट्टी की जांच ठीक हो गई थी ना। हाँ। इमारत इतने वजन की मिट्टी ले लेगी, बर्दाश्त कर लेगी। हाँ। जितना मेटेरियल बुलंद इमारत के इतबार से तय था वही पड़ा है ना, कोई कमी तो नहीं हुई। नहीं, जितने मेम का रड डिसाइड किया था इंजीनियर ने उतने ही डाले ना। हाँ। जितना सीमेंट बालू मिलाना था उतने ही मिलाए ना। हाँ। जितने पर लिंटर बांधना था उतने ही पर बांधे हो ना। कहा हाँ। तब मैंने कहा कि जरा से ये भी तो पूछ लीजिए कि जब सब कुछ बराबर बराबर इस बिल्डिंग में पड़ गया तो ये बिल्डिंग कितने वाइब्रेशन के जलजले को बर्दाश्त कर सकती है। अगर हसास जहन वाले बैठे हो तो बलिया भी तो सुन लो, मोहब्बत से बोल लीजिए। जैसे ही भूकंप डिपार्टमेंट, जलजला डिपार्टमेंट, आपदा डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई, उस पर ने साफ क्लियर और वाजे कर दिया कि अगर 5 पॉइंट रहे जलजला तो बिल्डिंग हिल कर ठहर जाए और 5+ हो जाए तो इसको जमीन पर लेट जाने से कोई नहीं रोक सकता, और 6 को छू जाए तो ये इमारत जमीन पर पानी की तरफ बहने लगी। मैंने कहा जब मेटेरियल कंप्लीट है, सरिया कंप्लीट है, मिट्टी कंप्लीट है तो फिर ये नौबत क्यों।
इंजीनियर ने जवाब दिया, मेरे मटेरियल की टोटल क्वालिटी इतनी ही है, क्या बात, इससे बेसी की गारंटी मैं नहीं ले सकता, इसलिए कि मैं जानता हूं इन छड़ों की क्या औकात है, क्या बात है, क्या बात? मैं जानता हूं इस सीमेंट बालू और गिट्टी की क्या हैसियत है, मैं जानता हूं, इसलिए मैंने जूम करके ये रिपोर्ट निकाली तो इससे बेसी नहीं। अब जरा साहस कर लीजिए, हुसैन करवाला को तो मिट्टी का संरक्षण नाना ने कर दिया, क्या बात? तो अब बलियादी को हर्ष करने दीजिए, इस आसमान के नीचे जमीन के ऊपर इस्लाम से कोई ऊंची इमारत नहीं होगी तो करबला से ज्यादा मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं होगी। अब जो मटेरियल लगा है, क्या बात है, दुनिया पूछ रही है, जलजलों के झटकों से मुल्कों की तस्वीर बदल गई, शहरों की सूरत बदल गई, पहाड़ों के जोग्राफिये बदल गए, इलाके का नक्शा बदल गया, लेकिन बार हुसैन आपने करबला की वादी में इस्लाम की इमारत को किस मटेरियल से बनाया है कि यहूदियत का जलजला आया इस्लाम की इमारत पाकी गई, नसरानियत का जलजला आया इस्लाम की इमारत पाकी गई, कुफ्र का जलजला आया इस्लाम की इमारत पाकी नहीं। अगर वो इमारत पाकी न होती तो आज मेरे चेहरे सुन्नते रसूल से न सजे होते, गांव और घर की मस्जिदों में अल्लाह अकबर की सदा नहीं सुनाई देती, गांव और गलियों में या रसूल अल्लाह मरहबा की सदाएं नहीं गूंजती नजर आती, और आज पूरी दुनिया में ये वाजे हो गया है, जहां जहां हुसैन वाले हैं वहां वहां नबी वाले हैं, और जहां जहां नबी वाले हैं वहां वहां हुसैन वाले हैं। इसलिए करबला की तारीख को बहुत कम वक्तों में बयान करने के भी आसान नहीं। हां, एक आखिरी जुमला जरूर अर्ज कर दूं कि पूरी दुनिया के मुअर्रिखीन को बैठा दो, आप बैठा दो, कोई एक मुअर्रिख मारी का लाल साबित करते कि करबला मल्ला की वादी में खानदान हुसैन के किसी बच्चे का भी कदम नबी के पाक की शरीयत के खिलाफ उठा हो, नहीं दिखा सकते।